ओम श्री परमात्मने नमः। सभी को मेरा आदर भरा, प्यार भरा और स्नेह भरा प्रणाम। कल मैंने अपनी वीडियो में आपसे कहा था कि गर्मियों में अपने पौधों को कैसे बचाएं, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने घर के विभिन्न कोनों में अलग अलग पेड़ों के नीचे कैसे अपने पौधों को रख के बचाया हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। तो आज मैं आपको उसका दूसरा पार्ट दिखा रही हूँ। ये कनेर का फूल का पेड़ है, देखिए ये देखिए, ये है ना, वहां तक है, इसकी छाया है काफी। और इसके नीचे मैंने ये देखिए, मैंने हैंगिंग भी उस दिन लगाए थे जो टर्टल वाइन, तो लेकिन ये थोड़ी सी मुरझा गई थी, और लेकिन मैंने इसको यहाँ लगाया तो ये कैसे आने शुरू हो गई, देखो ये निकल गई कुमले, है ना, ये देखिए कितनी ताज़ी ताज़ी ये नई निकली हैं। और मैंने ऐसे रखा है इनको यहाँ पे सब पौधों को, ये देखिए। तो पहले मैं दो लाइन गाना चाहूँगी गाने की, जो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे फूल बहुत पसंद है, तो मुझे फूलों का गाना भी जाहिर सी बात है कि मुझे ज़रूर पसंद होगा, वो मेरा फेवरेट सॉन्ग है, वो गाना चाहूँगी। फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात फूलों की, रात है या बारात फूलों की, पिछड़ी रात लोग मिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की, फिर छिड़ी बात। तो फूलों की बात के बारे में मैं आपसे कहना चाहूंगी कि मैं रिश्तों से भी इसकी तुलना करती हूँ। जैसे हम अपने रिश्तों को हमें बचा के रखना चाहिए, हम जब नए रिश्ते आते हैं बनते हैं हमारे, तो हम क्या करते हैं, पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, उन्हें समय ही नहीं देते, और क्या होता है, वो रिश्ते सूख जाते हैं। सूखने का मतलब क्या है, हमसे दूर हो जाते हैं वो रिश्ते। तो हमें रिश्तों को बचा के रखना चाहिए। और अब ये गर्मियों का मौसम है, आजकल सब लोग क्या कर रहे हैं कि नए नए प्लांट्स ला रहे हैं, जो गर्मियों के पौधों में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि हम गर्मियों के पौधे लगाएं। तो उससे क्या है, जो सर्दियों के पौधे हैं उनमें हम ध्यान नहीं देते, जबकि हम चाहें तो हम उन्हें बचा सकते हैं। उसका एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से देना चाहूँगी। ये देखिए, ये भी सर्दियों के पौधे हैं ये, लेकिन मैंने इसको यहाँ छाया में रख दिया, तो ये देखिए कितना खिलखिला के इसमें फूल आए। और जब मैंने इसे अभी धूप में था तो ये देखिए, ये भी दो दिन पहले की ये कंडीशन थी, ये सूख गए थे क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इनको छाया चाहिए, और ये देखिए नए निकल गए फूल, ये देखिए निकले ना कितने, ये देखिए कैसे भर भरा के निकले, ये देखिए, है ना। तो ऐसे रखना है इन रिश्तों की तरह, जैसे रिश्तों को बचाना चाहिए हमें अपने, ऐसे इन फूलों को भी बचा के रखना चाहिए। ये देखिए, ये बेबी टीयर्स का, तो इसको ये जो पत्तों वाला है, जैसे बच्चे के आंसू होते हैं ना ऐसा, ये देखिए ये। और दिखाती हूँ मैं कोचिया को भी, मैंने यहाँ लगा दिया, ये जो पौधा है ना ये वाला, ये पर्पल ये पर्पल कलर का, ये भी सर्दियों का पौधा है, ये देखिए। तो ये देखिए बच गया ये पौधा, देखिए कितने खूबसूरत आ रहे हैं, मैं पास से दिखाती हूँ, ये देखिए, है ना। और ये पिटोनिया जो है ये भी सर्दियों का पौधा है, ये देखिए बच गया, फूल आने शुरू हो गए इसमें। और दिखाती हूँ मैं पिटोनिया, ये देखिए पिटोनिया सर्दियों का पौधा है, आपको पता है ना, ये देखिए, ये और कलियां आ रही हैं इनमें, और ये देखिए कोपले आपको दिख रही है ना, ये देखिए ये नई नई कलियां, ये भी कली है जो भी खिली नहीं है, ये सब आ जाएंगे, ये देखिए इधर,
ये दिख रही है, ये खेलेंगी अब, ये सब आ जाएंगी। तो ये क्या किया है, जैसे रिश्तों को भी बचा के रखना चाहिए अपने, कभी खराब नहीं करना चाहिए नयों के चक्कर में। ये देखिए ये भी खिल गया यहाँ पे, पिटूनिया कितना खूबसूरत। तो इन्हें ऐसे बचाइए आप, किसी बड़े पेड़ के नीचे इन्हें रख दीजिए पौधों को। तो ये आपको एक तो कम पानी लगाना पड़ेगा आपको इनमें, पानी ज़्यादा नहीं खर्च करना पड़ेगा, सबसे ज़्यादा तो ये फायदा है। और दूसरा क्या फायदा है कि ये बहुत खिलखिलाते हुए और बहुत फ्रेश दिखेंगे, और एक कॉर्नर भी बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ बैठी हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे बैठ के। कई बार हम यहाँ पे बैठ के शाम को चाय भी पीते है ना, और कुछ गेस्ट आए हैं तो यहाँ बैठ गए हैं, बातें कर रहे हैं हल्की फुल्की, तो एक दिमाग को बहुत अच्छी, क्योंकि हमारे जीवन में रंगों का बहुत महत्व है। आँखों को जो हरा रंग है वो बहुत ठंडक देता है। और ये जो मैंने फूल लगाए हैं यहाँ पे, इनको मिक्स करके ये सारे रंग, कहते हैं ना हमारे जीवन में जैसे हर तरह के रंगों का होना बहुत जरूरी है, तो ऐसे इन फूलों का भी। मैंने सफ़ेद भी लगाया इधर, सफ़ेद गुलाब, ये देखिए शांति का प्रतीक है, क्योंकि किसी समय हमारा मन ये भी होता है कि हम शांति से रहें, जरूरी नहीं है कि हर समय ज़्यादा रंगीन ही उसमें रहें हम, है ना, मिजाज में ज़्यादा तड़क भड़क नहीं। तो ये देखिए ये मैंने सफ़ेद गुलाब को भी इधर लाई हूँ मैं गमले को, इसी कारण है ना। तो ऐसे करना चाहिए आपको। ये इधर डीली के लिए, ये तो खिलती ही, खैर ये नीचे यहीं ज़मीन में है और ये खिल गई, देखिए उधर तक खिली है, है ना। तो ऐसे करिए। और दूसरी क्या करना है आपने, इनको पास पास रखना है, एक तो बचाने के लिए गर्मियों में इन सबको पास पास रखेंगे तो उससे क्या होगा, इनमें एक दूसरे से ताकत मिलती रहेगी और नमी बनी रहेगी। अगर इन्हें आप अलग अलग और दूरी पे रखेंगे तो नमी नहीं रहेगी बनी हुई, उससे क्या होएगा कि इनके जो पानी है वो जल्दी सूख जाएगा, कुछ ऐसा होता है, वाष्पीकरण होता है ना इनका, तो ये एक दूसरे से ताकत लेते हैं, यही फायदा रहेगा। और तीसरी क्या है, देखने में भी ज़्यादा अच्छे लगेंगे ये। और अगर आप बहुत दूर दूर पे गमले रहेंगे तो आपको पानी देने में भी दिक्कत रहेगी और खूबसूरती भी इतनी नहीं लगेगी। अगर कोई अकेला इंसान कहीं बैठा हो तो वो उदास सा ही लगेगा आपको, ये आप खुद ही पता ही है आपको, कि जब कोई अकेला है तो वो सोचने लग जाएगा, कुछ चिंताओं में डूब जाएगा इंसान। जैसे जैसे इंसान का नेचर होता है ना स्वभाव, सेम बिल्कुल वैसा ही शत प्रतिशत इन पौधों का भी होता है। ये भी अगर इकट्ठे रहें साथ साथ रहें तो इन्हें भी आपस में बहुत एनर्जी मिलती है, जैसे मनुष्यों में होता है कि अगर हम साथ साथ रहें तो कहते हैं ना कि आपस में बातें कर ली, कुछ इंसान अपना भूल जाते हैं दुख दर्द, है ना, आपको पता ही है। और एक और विशेष बात आपसे बताना चाहूँगी कि हमारे शरीर में भी जैसे तीन तरह के प्रभाव होते हैं ना, वायु दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो गर्मियों में पित्त दोष बहुत होता है, गर्मी लगती है, लू लग गई है ना, कहते हैं ना लू लग गई उसे, क्या होता है लू लग गई, गर्मी लग गई, हवा के थपेड़े लग गए, और उसे कैसे बचाते हैं आपने सुना ही है, सबको पता ही होगा। अगर गर्मियों में हम जाएंगे तो आप क्या करेंगे, एक दुपट्टा, जो लेडीज एक दुपट्टे को गीला करा और उसे सिर पे कॉटन के दुपट्टे को रख लिया थोड़ा, तो जो ऊपर से गर्मी पड़ेगी तपती हुई धूप में आप जा रहे हैं तो वो हमारे शरीर को अंदर तक स्पर्श नहीं कर पाएगी क्योंकि गीला दुपट्टा है ऊपर, है ना। और टोपी पहन के रखते थे पहले, पगड़ी पहन के रखते थे, किस लिए पहन के रखते थे, हमारी सुरक्षा रहती थी गर्मी से और सर्दी से, बारिश से, इन सब थपेड़ों से बच के रहते थे। तो पौधों को भी यही चाहिए, इनकी टोपी क्या, इन्हें कोई टोपी तो बना नहीं सकते हम। तो इन्हें हम कैसे करेंगे कि जो बड़े वाले फूलों के पेड़ होते हैं या फलों के पेड़ हैं उनके नीचे रख दें इन्हें। और जो ये बड़े वाले होते हैं ना, ये कैसे होते हैं, कहते हैं जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो इतने थपेड़े खा खा के उन्हें तो आदत हो जाती है थपेड़े सहने की, सहन शक्ति की जो उनकी पावर होती है ना वो ज़्यादा होते हैं। ऐसी जो ये जो बड़े पेड़ हैं, जैसे कनेर का पेड़ है, इसकी पावर ज़्यादा है। ये देखिए इसके फूल ठीक है, ये देखिए कितने, दिखाती हूँ मैं आपको पास, ये देखिए देखिए कितने फूल है ना, कितने फूल, ये यहाँ तक आ गया, ये अलग फूल के पेड़ है भी आएंगे इसमें, ये देखिए यहाँ आ गया ये। तो आप समझिए इसका मतलब क्या है, जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो थपेड़े खा खा के उनकी आदत बन जाती है, वो रोते नहीं और ना मुरझाते हैं, आपने देखा होगा कितने धैर्य के साथ वो अपनी परिस्थितियों से निमट लेते हैं और बर्दाश्त कर लेते हैं उन सब बातों को। और जो छोटे पौधे होते हैं वो बच्चों की तरह होते हैं,
वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। ऐसे ही मनुष्य होते हैं और ऐसे ही पौधे होते हैं। मैं पौधों को और मनुष्यों को एक साथ लेके और तभी चलती हूँ। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, आप सोच रहे होंगे, देखिए कोची है ना जो ग्रीन वाले, ये देखिए, ये जो ग्रीन वाले हैं, 1 2 दूसरे नंबर का, एक ये इधर है और ये चौथे नंबर का। ये आपको पता है कि ये गर्मियों का पौधा है, गर्मियों का प्लांट है ये कोचिया, है ना। तो क्योंकि कुछ लोग सोचोगे शायद ये मैं कोई पुरानी वीडियो तो नहीं दिखा रही कि पिटोनिया नहीं बच सकता, लेकिन नहीं, देखिए अब ये कोचिया तो अभी नया इस सीजन का गर्मियों का पौधा है, और उसमें मैंने बचा लिया अपने पिटोनिया को। कैसे बचा लिया? क्योंकि ये नहीं है कि नए पौधों में इतने दीवाने हो गए कि पुराने रिश्तों को भूल जाएं। तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपने जो नए रिश्ते हैं गर्मियों के पौधों में इतने तल्लीन ना हो जाएं आप कि जो पुराने पौधे हैं आपके आप उन्हें भूल जाएं। उनमें भी ध्यान दीजिए, अगर अपने ध्यान देंगे तो जैसे मैंने आपको दिखाया कि ये पिटोनिया दिख रहा है आपको, इधर पीछे पीच कलर का, इधर पर्पल कलर का, ये पिटोनिया है ना, और इधर ये दिख रहा है आपको, ये सब पौधे, ये देखिए, ये मैंने बचा लिए हैं सर्दियों के पौधे, गर्मियों में भी, तो आप भी ऐसे बचा सकते हैं। और एक और क्या बात विशेष ध्यान रखनी है आपने, कि जो नए रिश्ते बना रहे हैं उनमें हमेशा ये ख्याल रखिए, प्लीज़ पुराने रिश्तों को कभी भी इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो वो सूख जाएंगे और होते होते बहुत दूर चले जाएंगे। अभी मैं भी कुछ ऐसी बिजी थी, जब से इस यूट्यूब में आई हूँ मैं भी अपने कुछ ऐसे हैं मेरे परिचित के, मैं उन्हें इतना ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। और मैं अब आज किया था मैंने एक फ़ोन, ऐसा मेरी एक भाभी है, मैंने उन्हें किया था, उन्होंने कहा ठीक है। मैंने भी सोचा था कि देख जो अब नहीं करोगे तो अब मैं नहीं करूँगी, हमेशा मैं करती हूँ, ठीक है। आप कहेंगे पर्सनल बातें कर रहे हो, नहीं, लेकिन पर्सनल कुछ नहीं है, आप भी मेरे अपने है ना, और जब तक हम अपनी बातें नहीं शेयर करेंगे तो हम समझेंगे कैसे एक दूसरे की भावनाओं को। और मैंने भी कई जगह करने फ़ोन करने जाना है ना, तो मुझे खुद लग रहा है कि मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ और ऐसे बहुत दूरी बन जाती हूँ। जो भी सुन रहे होंगे मैं उनसे क्षमा प्रार्थना हूँ, मेरे मन में है, सब है, मैं सब समझती हूँ, है ना। और आप ऐसे बचाइए, देखिए थोड़ी देर के लिए मैं स्टिल हो गई, लग रहा है ना अच्छा। फिर छिड़े रात बात फूलों की, फिर छिड़े रात। अब मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर कीजिए, हो सकता है कुछ लोगों को ये काम आ जाए जो अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं देते, है ना। तो शेयर कीजिए, अगर मैंने आज तक कभी नहीं कहा था, लेकिन अगर आपको लग रहा है हाँ ये बात है शेयर करने लायक, तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब अगर आप करना चाहते हैं। अगर आपको अच्छी लगी है मेरी बात तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। फिर मिलती हूँ आपसे किसी नई बात के साथ। आपका जीवन ऐसे ही फूलों की तरह सुगंधित रहे, खुशबूदार रहे, महकता रहे और खुशहाल रहे। धन्यवाद।